मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। दोस्तों के साथ नहाने गया 17 साल के अमित गुप्ता की बावड़ी में डूबने की वजह से जान चली गई है। हालांकि अमित गुप्ता जिस वक्त बावड़ी में डूब रहा था, उसके दोस्तों ने उसे डूबते हुए देखा और ये डर के वहां से भाग गए और इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। ये पूरा मामला भिवंडी के अजंता कंपाउंड का है। अमित गुप्ता BNN कॉलेज का छात्र था। अमित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की कि अमित गुप्ता मिल नहीं रहा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अमित के मोबाइल लोकेशन चेक किया गया जो भिवंडी के अजंता कंपाउंड का बता रहा था। जब कॉलेज के अमित के दोस्तों से पूछताछ हुई तो पता चला कि बावड़ी में नहाने के दौरान अमित गुप्ता डूब गया है, जिसके वजह से उसके दोस्त सारे डर गए और वहां से घबराकर ये लोग भाग गए और इस पूरे घटना के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं दी। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, वैसे दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस उस बावड़ी के पास पहुंच गए और गोताखोरों की मदद से अमित गुप्ता के शव का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफ़ी देर बाद अमित गुप्ता का शव बावड़ी से बाहर निकाला गया और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमित गुप्ता के परिजन और दमकल विभाग के कर्मचारी ने इस घटना को लेकर क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? तुलसीराम गुप्ता। बच्चे के साथ में आपका क्या नाम है? दादा लगता है, चचेरा दादा। क्या हुआ था, क्या घटना, आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी कल 10 बजे रात मालूम चला कि स्कूल 11 बजे स्कूल आया, BN कॉलेज में 11 बजे। उसके बाद में वहाँ पे छुट्टी कब किए क्या कुछ नहीं मालूम चला। आने के बाद में रात में जब वो 6 बजे इस घर पे आता है तो घर पे नहीं आया। मालूम चला तो उसके पापा लोग ढूंढने लगे तो पता लगा कि अभी लेट सवेर आ जाएगा। तो 8 बजे तक जब वो नहीं आया तो आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। उसके बाद में सुबह से ढूंढना चालू किए। BN कॉलेज में गए तो वहाँ पे रिपोर्ट मिली कि 3 बजे वहाँ पे बच्चा था, वहाँ पे रिपोर्ट मिला। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए थे तो उनका लोकेशन यहाँ पे धावन नाका इधर मस्जिद के बाजू में बताया। वहाँ से तो वहाँ से ढूंढते ढूंढते हम लोग इधर आए तो उसके दोस्त लोग जो 3-4 थे साथ में वो लोग नहाने आए। बोले हमको तो मालूम नहीं है, जो लोग बताए वही हमको मालूम है। क्या बताया? बताए कि वो हम लोग के साथ में नहाने गया था कल 3-4 बजे के बीच में और यहाँ बावड़ी में आया है और उड़ी मारा। वो लोग भी उड़ी मारे, वो उड़ी मारा तो अंदर से बाहर नहीं निकला। वो हम लोग को अभी करीब 2-2.5 बजे के करीब हम लोग को मालूम चला। क्या नाम था बच्चे का? अमित। अमित उम्र 17 साल, 12वीं में पढ़ता था। घूगड़ नगर काप तलाव काशी नगरी। सर क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई थी इसके बारे में क्या जानकारी है आपको, क्या कहेंगे? ये जो घटना हुई थी ये अजिंठा कंपाउंड में है और इधर ये कॉलेज का लड़का जो अंदाजे 17 बरस का होगा वो कुएं में गिर गया था। हमको कॉल आया तो हम इधर आए तो यहाँ जुबेर भाई थे, स्थानीय नगर से पुलिस प्रशासन थे और फिर हमने हमारे हिसाब से पहले जो गर्ल रहता है उससे हमने उसको घिराने की कोशिश, निकालने की कोशिश किया लेकिन वो आया नहीं वापस। बाद में थोड़ा प्रेशर से पानी डाला अंदर लाइन डाल के, फिर उससे हिलने के बाद थोड़ा आ गया। और बाकी आपने जो स्थानीय लड़के लोग थे उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया, अंदर जाके उसने नीचे डूब के निकालने की बहुत प्रयास किया और उन्होंने भी कोशिश अच्छा की। ये तो 2-3 घंटे हो गए।